Hello everyone welcome back to my YouTube channel in my last lecture i discussed about ohio studies on leadership in this particular lecture i will be talking about michigan studies on leadership so again michigan is a university and michigan has conducted a lot of research on leadership and we will be discussing on the findings of those studies लेट इज़ बिगिन मैं सभी लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि इफ वो मिशिगन स्टडीज से पहले मेरी ओहायो स्टडीज वाली वीडियो को जरूर देख लें सो so दैट कि उनको एग्जैक्टली exactly पता लग सके वट आई एम हाउ वी आर कंपेयरिंग बोथ ओहायो एंड मिशिगन स्टडीज तो मैं जो ओहायो स्टडीज वाला लेक्चर है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ ओके तो मिशीगन स्टडीज केम अप विथ टू डायमेंशंस जिस तरह से ओहायो स्टडीज़ ने दो डायमेंशन ढूंढ कर निकाले सो दोशंस वर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड

जो लीडर होते थे उनकी कैरेटिस्टिक्स क्या थे तो लीडर्स हु आर एम्प्लॉय आर मोर फोकस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है कि लीडर के साथ किसी मेंबर का एक आपस में उनका रिलेशनशिप किस तरह का है तो वो उनका जो पूरा फोकस था जो एम्प्लॉय सेंट्रिक लीडर होते थे वो कहीं ना कहीं उनका फोकस एम्प्लॉइज के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर होता था ये उनके आपस के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरह के दे है दे टेक अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द नीड ऑफ़ देयर एम्प्लॉयज एंड एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि वो एम्प्लॉयज की नीड्स को समझें उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और अगर उनको किसी भी तरह की चैलेंजेस आ रहे हैं विथ रिलेटेड टू जॉब और रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ तो उसको कहीं कही ना कहीं लीडर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें एक चीज और जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि लीडर इस बात को भी समझता था कि जो एक आपका आपके ग्रुप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बीच में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेफिनेटली होंगे तो उस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा ऑब्वियसली देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज जो है वो कन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा करते हैं तो लीडर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता था इस चीज़ को कि कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं ऑन द अदर साइड वेन वी लुक एट प्रोडक्शन प्रोडक्शन सेंट्रिक दे आर दोज लीडर हु आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन टास्क ओरियंटेशन इनका मेन गोल प्रोडक्शन से रिलेटेड है प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्टिविटी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ये उस गोल को अचीव करना चाहते हैं इनको किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई एज सच रिलेशनशिप में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए जो इम्प्लॉय है दे बिलीव दैट इम्प्लॉय इज अ मीडियम टू अचीव देयर प्रोडक्शन गोल्स उनके लिए एम्प्लॉय एक मीडियम है बस एम्प्लॉय इज जस्ट लाइक अ रिसोर्स जैसे मशीन्स हैं उसी तरह से एम्प्लॉय है तो उनका जो मेन फोकस है वो गोल को अचीव करना है ऑन द अदर साइड जो एम्प्लॉय सेंट्रिक लोग हैं वो गोल के बारे में उतना बॉदर नहीं करते दे आर मोर कंसर्न अबाउट द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कि उनके और उनके फॉलोअर्स के बीच में कितना ट्रस्ट है कितना रिस्पेक्ट है वो इन चीज़ों पर फोकस करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द टास्क अब इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन है हम उसके ऊपर बात करेंगे तो ओहायो और मिशिगन में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज थी द फर्स्ट सिमिलैरिटी वॉज ओहायो ने भी दो कैटेगरीज बनाई थी मिशिगन ने भी दो कैटेगरीज बनाई तो पहली सिमिलैरिटी तो यही आ गई दोनों ही बिहेवियरल इंटेंशन को स्टडी करते थे बिहेवियरल पैटर्न को स्टडी कर रहे थे ओहायो के भी रिसर्चर्स ने वही किया और मिशिगन के रिसर्चर्स ने भी वही किया एम्प्लॉयज सेंट्रिक एक और जो बहुत कॉमन सिमिलैरिटी थी कि जो इंप्लाइज सेंट्रिक ढूंढ कर निकाला मिशिगन वालों ने विच वॉज वेरी मच सिमिलर टू कंसिडरेशन जो ओहायो ने कंसिडरेशन बनाया था उससे ये काफी सिमिलर था ऑन द अदर साइड जो प्रोडक्शन सेंट्रिक थे बट वॉज वेरी सिमिलर टू इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों ही स्टडीज चाहे ओहायो स्टेट की स्टडीज थी चाहे मिशिगन की स्टडीज थी वो कही न, कहीं ना कहीं मोर एंड ओवर काफी सिमिलर ग्राउंड पर थी इन द एंड लेकिन जो लास्ट में मिशिगन ने कंक्लूड किया था कंक्लूजन का डिफरेंस था कंक्लूजन का ये डिफरेंस था दैट इन मिशीगन स्टडीज दे रिपोर्टेड इम्प्लॉयज सेंट्रिक लीडर्स टू बी बेटर देन प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेंट्रिक वंस उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि जो इम्प्लॉयज सेंट्रिक हैं वो ज़्यादा बेटर हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन सेंट्रिक और टास्क सेंट्रिक जबकि जो ओहायो स्टडीज थी उन्होंने कहा था कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिट्रेशन दोनों इक्वल है उनमें कोई बेटर नहीं है जबकि मिशिगन का थोड़ा सा फाइनल फाइंडिंग जो था वो डिफरेंट था एज कम्पेयर टू ओ आयो So this was all about Michigan studies. This is coffee similar to Ohio say. So I would again recommend that do watch Ohio video first and then watch the Michigan one so that you can understand and compare both the studies very easily. So if you like my channel, do subscribe to it and thanks for watching.